एक बेहद छोटे से देश नामीबिया का नाम इस समय क्रिकेट जगत में सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ, दरअसल नामीबिया का एक बल्लेबाज है जेपी कोटजे, उसने एक ऐसा कमाल किया है जिसे बाकी दुनिया के क्रिकेटर में बड़े से बड़ा स्टार खिलाड़ी भी नहीं कर पाया है। जेपी कोटजे नाम के इस नामीबियाई बल्लेबाज ने एक T20 मुकाबले में सबसे तेज T20 सेंचुरी लगाई है। खास बात यह है कि उनकी ये T20 सेंचुरी उनके ही डेब्यू मैच में निकली है और इसी के साथ डेब्यू मैच में सबसे तेज T20 सेंचुरी लगाने वाले जेपी कोटजे पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जिस खिलाड़ी ने 48 से 72 घंटे पहले इस रिकॉर्ड बनाया था वो थे रविंद्र पाल सिंह। रविंद्र पाल सिंह ने 47 गेंदों में सबसे तेज T20 शतक लगाया था, उन्होंने भी तब डेब्यू किया था। लेकिन ठीक 48 से 72 घंटे बाद एक नामीबियाई स्टार बल्लेबाज ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपने नाम कर लिया। वैसे बात करें अगर इंटरनेशनल लेवल पे सबसे तेज डेब्यू पारी की, तो इन दोनों खिलाड़ियों से पहले ये रिकॉर्ड पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग के नाम था। रिकी पॉन्टिंग ने T20 फॉर्मेट में जब अपना डेब्यू किया था तो अपनी डेब्यू इनिंग उन्होंने सबसे तेज 98 रन की खेली थी और रिकी पॉन्टिंग का ये रिकॉर्ड कई सालों तक बरकरार रहा था। वैसे ओवरऑल बात की जाए तो सबसे तेज T20 फॉर्मेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड कई और खिलाड़ियों के भी नाम है। इस T20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया धाकड़ बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और रोहित शर्मा 35-35 गेंदों में शतक लगा चुके हैं। वहीं कोटजे की अगर हम जो बात कर रहे थे, जेपी कोटजे जिनके नाम रिकॉर्ड जुड़ा है उनके करियर का, अगर उन्हीं के करियर की बात करें तो T20 फॉर्मेट में उन्होंने 4th तेज शतक लगाया है। जाहिर सी बात है इस नामीबिया स्टार खिलाड़ी की चर्चे इस समय क्रिकेट जगत में भरपूर हो रही है और हर जगह वो सोशल मीडिया में भी छाए हुए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि क्रिकेट के सबसे छोटे से देश का ये खिलाड़ी बहुत जल्द इंटरनेशनल लेवल पर भी सुर्खियाँ बटोरता हुआ दिखाई देगा। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।